अभी ना ताश ने पॉपकॉर्न ईट की है, इस वजह से मैंने अभी ना कुछ बनाया नहीं है। और बस सालन मेरा पक चुका है, अभी बस बाहर जाके बैठती हूँ थोड़ी देर। और बाजार रोटी लेने गए हैं क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी मुझे, तो बाजार बस बाहर से रोटी लेने गए हैं, बस लेके आ जाते हैं तो फिर हम खाना खाएँगे। और अभी थोड़ी देर बस किचन में खड़ी हुई हूँ ना, मेरा भी मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है मेडिसिन की वजह से ना, बहुत ज़्यादा जिसम में गर्मी हो रही है, सारा कुछ है ना इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी शाम का टाइम है और सुबह से मैंने वीडियो शूट नहीं की है, तो अभी बस सो के उठे क्योंकि रात को भी हम थोड़ा सा लेट सोए थे, लेट क्या बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, थोड़ी सी मेरी तबीयत की वजह से, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, कल फिर ट्रिप लगी है मुझे। और बहुत जल्द आप लोगों को बताऊंगी क्या मसला है, किस वजह से मुझे बार बार ट्रिपें लग रही हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो वो बस हो जाए सॉल्व, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। तो अभी तो नहीं फ़िलहाल, तो बस इस वजह से हम लोग फिर लेट सोए हैं रात को। मैं मुझे तो तकरीबन नींद नहीं आई है और सुबह 4 या 4:30 बजे तक मैं सोई हूँ। उसके बाद फिर पूरा दिन भी थोड़ा सा मेडिसिन का भी असर था, इस वजह से नींद नहीं मतलब मेरी ख़त्म हो रही थी। तो आप लोग सुनाएं क्या हाल है आप लोगों का, क्या करें हैं सब और क्या क्या बनाया आज। छुट्टी का दिन था और सुबह बाजार नाश्ता बाइट से ले आए क्योंकि मुझे जगाया ही नहीं उन्होंने। तंदूरी पराठा यहाँ पे मिलता है हमारे ना, यहाँ पे जो होते हैं ना ढाबा टाइप बने हुए, वहाँ पे तंदूरी पराठा होता है, तो वहाँ से भी ज़्यादा तंदूरी पराठा ले आए, साथ चने का सालन था वो ले आए। तो हम लोगों ने सुबह वही नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर लेट गई मैं थोड़ी देर, और शायदा बस काम करके चले गई। मुझे नहीं पता था वो कब गई है कब नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि बेजाद अरताश को लेके गए हुए थे बाहर। सुबह चिकन भी आया क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था जब बारबेक्यू वगैरह किया था, अरताश के ताया अबू लोग आए थे ना जब, तब की बात है। तो बस फिर तो अब बेजाद चिकन भी लिया है और उसके बाद फिर अरताश को नाश्ता करवाया, उसके बाद अरताश को नहलाया बेजाद ने और ऑफिस ले गए थोड़ी देर, शायद उनको काम था उधर, वहाँ से आए तो फिर हम सो गए क्योंकि नींद उनको भी बहुत आ रही थी। तो इस वजह से बस आप दुआ करें अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और बहुत टेंशन होती है जब बच्चे आपके छोटे छोटे होते हैं और आपको कुछ इस तरह के मसले मसाइल हों और आप सोचें अपने बच्चे के बारे में कि उसका क्या बनेगा, तो इस तरह ना बड़ी टेंशन होती है फिर। बस और तो कोई नहीं है, मुझे बस अरताश की और बेजाद की टेंशन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि मेरे साथ वो भी स्ट्रगल करते हैं फिर जब मुझे कुछ होता है तो। अल्लाह खैर करे, आजमाइशें तो इंसान के लिए होती हैं ना, तो मुझे तो इस बात की कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया है, तो बस मसला नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि बस जो आपके साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं ना उनकी आपको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो बस अभी किचन में चलती हूँ, अभी बेजा तो कह रहे थे खाना नहीं बनाओ, मैं बाइट से मंगवा लूँगा, लेकिन मुझे पता है वो खाना खाने वाला नहीं होता है मेरे से ना, तो बहुत मुश्किल से खाया जाता है, मैं तो कभी कभार बिरयानी मंगवा लेती हूँ, लेकिन ये है कि बस वो फिर बस ऐसे ही खाई जाती है। तो अभी बस किचन में चलती हूँ और पालक चिकन मेरा इरादा बनाने का, क्योंकि पालक पड़ी हुई है मेरे पास फ्रीज की हुई, मैंने उसको कटवा के ना लास्ट टाइम ले गई थी जब आंटी के साथ गए थे ना, तो शलजम वगैरह का जो पड़े थे वो तो मैंने उनको उठा के दे दिए, मैंने कहा आंटी आप ले जाएँ उधर फिर घर बनवा लीजिएगा ना, क्योंकि शलजम ज़्यादा थे और हम दो लोग हैं, दो लोगों के लिए ज़्यादा सालन नहीं फिर मैं बनाती हूँ, पहले भी सालन ऐसे बचे पड़े रहते हैं, तो बस इसी वजह से अभी बस किचन में चलती हूँ और पालक चिकन बनाना है तो वो मैं भी देखती हूँ। चलिए आप लोग भी मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको पालक चिकन कैसे बनाया जाता है क्योंकि मेरी ये रेसिपी शायद नहीं पड़ी हुई, तो ये कैसे बनाते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखें अभी किचन में आ चुकी हूँ मैं, ये देखें सालन मैंने रख दिया है, अभी प्याज टमाटर हरी मिर्च फ्राई हो रही है, थोड़ी सी फ्राई हो गए तो मैंने चिकन ऐड करूँगी, चिकन वॉश करके रखा हुआ है मैंने, और ये ताश के फ्राइज बनाने लगी थी तो ये मैंने आलू काट के रखे हुए हैं, और इधर ये देखें पालक बॉईल हो रही है अब इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा क्योंकि ये ना फ्रोज़न होती है, तो इस वजह से
इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, जल्दी से बस तड़का बना लेते हैं। इसमें इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है प्याजों को, क्योंकि अभी ये देखें ना कच्चे चीज हो रहे होंगे, थोड़ा सा और हो जाए उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तब तक इसमें ये प्याज भी गल, वो टमाटर भी गल जाएंगे और हरी मिर्च भी, तो बस इसमें चिकन ऐड करते हैं। मेरा इरादा तो है कि आलू भी डालूँ, मुझे ना सालन में आलू बहुत पसंद है, इस वजह से मेरा इरादा तो है, लेकिन पता नहीं अब देखते हैं सालन भी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैं और बता दी अगर दो प्लेटें बनाऊँगी इस टाइम के लिए, सुबह तो नहीं खाएँगे हम लोग, तो बस अभी बनाती हूँ और उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको। बस इसमें चिकन फ्राई करना है, जैसे चिकन नॉर्मली फ्राई करते हैं ना, मैं साथ साथ दिखाती हूँ आपको। मेरे को चिकन मैंने शामिल कर दिया, अभी मैं इसमें लहसुन का एक चम्मच पेस्ट डाल के ना, तो इसको मैं अभी ढक्कन लगा कर सब्जी के लिए छोड़ दूँगी, इसी में ये गल भी जाएगा और पक भी जाएगा। तो ये देखें अभी चिकन उबाल चुका है, अभी इसमें मसाले ऐड करूँगी मैं, हाफ टी स्पून साल्ट जाएगा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर जाएगा, ये देखो हाफ टी स्पून अदरक पाउडर और हाफ टी स्पून ये जाएगा गरम मसाला बस, और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। उसको भून लेते हैं चिकन को भून के ना, उसके बाद ये देखिए पालक गल चुकी है और पालक को मैं अभी निकालती हूँ टोकरी में और एक दफ़ा वॉश करके, तो पालक इसमें शामिल करके ना अच्छे से भून लेंगे, बस सालन तैयार है। तो ये देखें माशाल्लाह पालक बस अभी तैयार होने वाली है, मैं इसकी ना थोड़ा सा फ्लेम जो है कम कर देती हूँ दरमियान में, ये देखें। तो बस अभी इसको ढक्कन लगा देते हैं और चिकन पालक जो है ना वो हमारी तैयार है। मैंने इसमें एक आलू भी डाला है, छोटा सा आलू था मैंने इसमें डाला है, अभी आकाश के मैंने ये स्लाइस काट के इस तरह रखी है और अब इसको फिंगर की शेप देंगे ना, तो इसके लिए वो चिप्स बनाती हूँ, क्योंकि अभी उसने ना पॉपकॉर्न खाए तो इसलिए मैं अभी ना आकाश में पॉपकॉर्न मीट किए हैं, इस वजह से मैंने अभी ना कुछ बनाया नहीं है, अभी बस सालन मेरा पक चुका है, अभी बस बाहर जाके बैठती हूँ थोड़ी देर, और बाजार रोटी लेने गए हैं क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी मुझे, तो बाजार बस बाइक से रोटी लेने गए हैं, बस लेके आ जाते हैं तो फिर हम खाना खाएंगे। और अभी थोड़ी देर बस किचन में खड़ी हुई हूँ ना, मेरा भी मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है मेडिसिन की वजह से ना, बहुत ज़्यादा फिर जिसम में गर्मी हो रही है सारा कुछ है ना इस वजह से, तो ये देखिए मेरा मुँह भी थोड़ा सा स्वेल हो गया है, फिर तो भी ड्रिप लगती है ना, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरा ड्रिप भी बहुत लो होता है अभी, और बस अभी बाहर जाके बैठती हूँ, फिर रात आ जाए दिखाती हूँ आपको पानी वगैरह के साथ। तो अभी बस खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने, और जो दोस्त हैं उन्होंने भी चावल भेज दिए थे, हम लोगों ने वो भी खा लिए, तो बस अभी सोने लगे हैं हम लोग, मेडिसिन वगैरह मैंने लिए तो मुझे अभी नींद आ रही है। तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल नए भी लोग के साथ, ये देखें ये अपने बाबा के साथ लगा हुआ है, तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल नए भी लोग के साथ आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जो प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़। और ताश इधर आओ, बाय बाय करनी है सबको, इधर आओ बाय बाय कर दो, इधर आओ मामा के साथ बाय बाय कर दो, इधर आओ, चलो बाय बाय करो, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़ हाफिज़।